हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपसे अपनी पतंजलि केश कांति हेयर कंडीशनर कलर प्रोटेक्शन के बारे में शेयर करूंगी। एक्चुअली पतंजलि के प्रोडक्ट जो होते हैं वो आयुर्वेदिक और हर्बल होते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया। इसे मैंने 2 महीने पहले लिया था जब मैंने हेयर कलर किए थे, और अब इसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है। इसका व्हाइट कलर का प्लास्टिक का ट्यूब है, और ये इसका फ्लिप टॉप कैप है जो थोड़ा टाइट है। कैप जो है वो इतना टाइट है कि आपका जो कंडीशनर है वो फैलेगा या बहेगा नहीं, इसलिए मुझे ये ट्रैवल फ्रेंडली भी लगा। इसका जो नेट वेट है वो 100 ग्राम का है, और इसका प्राइस जो है वो 60 रुपीज का है, यानी 60 रुपये का ये मिलता है। पैकेजिंग में लिखा हुआ है कि इसमें कितना एलोवेरा जेल और कितना गेहूँ का तेल, सूर्यमुखी का तेल, भृंगराज और गुड़हल कितनी क्वांटिटी में मिला हुआ है, और साथ में ही इसमें इसका बेस मटेरियल भी दिया हुआ है, और इंडिकेशन में लिखा हुआ है यूजफुल इन ड्राइनेस रफनेस ऑफ हेयर, इट प्रोवाइड्स कंडीशनिंग फॉर ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर, रीजेनरेट्स हेयर ग्रोथ एंड मेक हेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आप 2 से 5 ग्राम तक का प्रोडक्ट लेकर के बालों को धोने के बाद इसको लगाएं, और जल्दी से मसाज करें, और 1 या 2 मिनट बाद बालों को साफ पानी से धो लें। इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो 2 साल की दी हुई है। इसमें नीचे लिखा हुआ है बालों को नियमित पोषित एवं बालों के कलर को सुरक्षित करता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे कैसा लगा। तो ये मैंने जब इसको अपने बालों में लगाया तो ये आसानी से बालों में फैल जाता है। मैं अपने बालों में इतना प्रोडक्ट लगाती हूँ, और ये वाइट कलर का है। इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी जैसा है, लेकिन बहुत ही लाइट है, और ये पानी से धोने में आसानी से साफ भी हो जाता है। लगाने से मेरे बाल जो हैं वो चिपचिपे भी नहीं होते हैं। इसको लगाने के बाद मेरे बाल जो हैं वो उलझते नहीं हैं और आसानी से सुलझ जाते हैं, और मेरे बाल जो हैं सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं, और उनमें एक शाइनिंग सी बनी रहती है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे माइल्ड सी लगी, यानी कुछ कुछ लेमन और फ्लावरी जैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये कंडीशनर तो अपने बालों के लिए बहुत अच्छा लगा, और मैंने इसको काफ़ी यूज किया है कि बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने अभी तक मेरे कलर्स एंड फ्लेवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद जो बेल बटन आती है उसको क्लिक कर लें। इससे जो मेरे वीडियो हैं वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे, और मेरे वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।